मुझे पढ़ना पड़ता है। हेलो हेलो सर जी। हाँ जी नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। बैंगलोर से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अतीक है। अतीक, अच्छा पूछिए क्या सवाल है। सर मुझे पूछना था कि मैं प्रोटीन पाउडर से मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था। अच्छा, तो मैं प्रोटीन पाउडर लिया आपने? सर मैंने लिया था स्किट्रॉन का। अच्छा देखो, कई लोगों को ना प्रोटीन जो होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, काफी लोग होते हैं, ठीक है, जिनको दूध से बनी या दूध की चीजें हजम नहीं होती, उनको हमेशा आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। आइसोलेट में क्या होता है, लैक्टोज नहीं होता तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी प्रोटीन ले आप हमेशा आइसोलेट वाला प्रोटीन ले, ठीक है। मेरा कोई भी वीडियो देखोगे नहीं, नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप ले सकते हैं। आइसोलेट नहीं मिलेगा तो यहाँ प्लांट प्रोटीन ले लें आप, दो दो लेने आप आइसोलेट ऑल प्लांट। था कि मेरा वेट लगभग अराउंड 70 किलो है, तो मैं जिम जाता हूँ, मेरा लाइक इंटेंस वर्कआउट सब होता है, तो मैं अराउंड लाइक 100 ग्राम उतना प्रोटीन नेचुरल फूड में ही मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं ना कि ऐसे पाउडर से प्रोटीन लेना इंटेक करना ऐसे? नहीं, नहीं, नहीं। देखो मेन क्या है, आपको आपका 70 केजी वेट है ना, 70 बताया ना आपने जी, जी ठीक है, तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए, क्योंकि आप एक वर्कआउट भी कर रहे हो, ठीक है, तो 100-105 ग्राम डेली हो जाए। अगर आप नेचुरल डाइट से ले रहे तो कोई बात नहीं, फिर तो लेने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं अपना डाइट बता देता हूँ, कहीं कमी है तो एक बार। सर मैं सुबह हॉट वाटर में विनेगर डाल के ले लेता हूँ। अच्छा। तो फिर ब्रेकफास्ट में मैं 4 होल एग लेता हूँ, फिर लाइक ओट्स लेता हूँ, ओट्स के अंदर लाइक पूरा सीड्स मिलाकर ड्राई फ्रूट्स लगा के ले लेता हूँ। फिर उधर आफ्टरनून मेरा होता है कर्ड के साथ ब्राउन राइस, फिर सोया चंक्स लेता हूँ मैं अराउंड 50 ग्राम या 60 ग्राम ले लेता हूँ। फिर इवनिंग पे मैं कुछ लाइक स्नैक्स वगैरह लेता हूँ, और रात में सिर्फ 3 होल एग्स लेता हूँ। फिर आफ्टरनून सोया चंक्स के साथ जो रेसिपी बनाता हूँ मैं, उसके साथ भी 3 एग्स, टोटल 10 एग्स हो जाता है मेरा, लेकिन लाइक उधर ही 60 ग्राम अराउंड प्रोटीन मिल जाता है। फिर सोया चंक्स से अराउंड 25 मिल जाता है। फिर पीनट बटर लेता हूँ मैं, आपका जो बताया पिंटोला वाला, लाइक इट्स गुड नो, पिंटोला वाला लेता हूँ। फिर सलाद में सिर्फ कुकुम्बर और कैरोट खाता हूँ, चलेगा ना? सलाद देखो ओवरऑल जो भी कच्ची सब्जी आप खा सकते हो ना, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लो, थोड़ा सा नींबू डाल लो, वो थोड़ा अच्छा सा टेस्टी हो जाता है। तो कोई भी कच्ची सब्जी खा सकते, खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं वो खाओ। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी वो कर रही है कि आप 2 टाइम अंडे और सोया चंक्स ले रहे हैं ना, रात को भी ले रहे हैं दिन में भी ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी आफ्टरनून लेता हूँ, कभी कभी रात में लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी मैं रिक्वेस्ट कर, अब ऐसे आफ्टरनून सिर्फ 3 एग ले लिया तो रात में सोया चंक्स के साथ रेसिपी बना लेता हूँ। अगर वही आफ्टरनून फ्री होगा तो, एक्चुअली मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, सो मुझे जब टाइम मिलता है तब रेसिपी बना सकता हूँ, तब सोया चंक्स से बनाता हूँ, वरना मैं सिर्फ अंडे। आप हॉस्टल में रहते हैं या अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं मैं अभी अकेला रहता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो क्या होता है ना, इस बात को समझो, आपको जो प्रोटीन चाहिए ना वो आपको अलग अलग सोर्सेज से चाहिए, ठीक है। आप एनिमल प्रोटीन आ गया, आपके अंडों में आ गया, सोया चंक्स में आ गया, आपका फ्रूट्स में आ गया, प्लांट्स में आ गया, ग्रेन में आ गया, सीड्स में आ गया, ये सारा कंबाइंड प्रोटीन होता है, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी प्रोटीन। क्वालिटी प्रोटीन से ही क्वालिटी मसल्स बनेंगे आपके, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता आप सारे प्रोटीन सोया चंक्स अंडों से ले लो, है ना, बाकी चीजें भी ऐड करो अपनी डाइट में, ठीक है। जैसे पनीर आपने ऐड कर लिया, सत्तू होता सत्तू ऐड कर लिया, कभी उसकी स्मूदी बना ली आपने, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन एडिंग दीज हाई प्रोटीन सोर्सेज। दाल होता है, दाल में प्रोटीन होता है। सत्तू को ना मैं लाइक मार्केट में देखा था, सत्तू किधर, वो लाइक अवेलेबल नहीं है, वो बोल रहे कि खुद घर पे बना सकते हैं सत्तू करके। अरे तुम बना सकते हो, अमेज़न से ले लो, अमेज़न से मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, सत्तू तो इतना महंगा भी नहीं होता, अमेज़न पे मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्तू आप अमेज़न से ले लो, और बाकी कीप ऑन चेंजिंग योर डाइट। देखो अपनी डाइट को ना सिमिलर मत रखो, बॉडी ना यूज टू हो जाती है, कीप ऑन अपनी बॉडी को थोड़ा शॉक देते रहो। कभी आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लिया, अच्छा रोटी में डलवा लिया, आटे में गुंदवा लिया, या चावल में डलवा लिया, तो अपनी जो प्रोटीन के सोर्सेस चेंज करते रहो। बाकी आपका क्वेश्चन था, आपको गेन करना है ना वेट, ये था क्वेश्चन था ना आपका? नहीं सर, लाइक मेरा फिजिक्स अभी ठीक है, मुझे एक्चुअली इधर मुझे पिगमेंटेशन है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन इधर 5 साल से सिर्फ इधर और इधर 2 लाइन वाला मार्क है। अच्छा, वो अच्छा। क्या है मुझे पता नहीं है, लाइक अराउंड 5 इयर्स है वो, लाइक सर्दियों में डार्क हो जाता है, जब समर आता है तो लाइट हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, आप अपने ना एक तो ओमेगा 3 ले लो, आप नहीं, वो ले, मल्टीविटामिन ओमेगा
लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। आप एक सुपर ग्रीन ले लेना मल्टी वाइटामिन की जगह, नेक्स्ट टाइम जब मल्टी वाइटामिन खत्म हो जाए तो उसकी जगह सुपर ग्रीन लेना, दैट ऑल्सो एक्ट एज अ मल्टी वाइटामिन। ठीक है, स्पिरुलिना तो जरूरत नहीं है ना, स्पिरुलिना। हाँ आप स्पिरुलिना भी ले सकते हो, तीनों में से देखो एक लेना, या स्पिरुलिना या मल्टी वाइटामिन या सुपर ग्रीन, इन तीनों में से एक लेना, तीनों एक साथ नहीं लेना क्योंकि तीनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा आपको कुछ लाइंस है ना पिगमेंटेशन की, कितना वक्त हो गया इनको? इधर और इधर, लाइक अराउंड मुझे 10 स्टैंडर्ड्स है लेकिन 5 इयर्स हो गया। अच्छा अच्छा 5 इयर्स हो गया, तो मुझे ये बताओ ये पिगमेंटेशन ही है या कुछ और है, कुछ और लाइंस है? आर यू श्योर इट्स पिगमेंटेशन? नहीं मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। मैं कभी एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से गया था, वो भी लाइक कहे थे कि वो पिगमेंटेशन ऐसा है करके, लेकिन उन्होंने बताने से पहले मैं ही उनको बताया था कि पिगमेंटेशन हुआ है मुझे। अच्छा, तो मेरी हाँ में हाँ मिला दिया वो लोग, मुझे पता नहीं क्या है, कंफ्यूज हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अगर तो आपको ये फॉलो करते हुए कितना वक्त हो गया, जिम करते हुए, डाइट फॉलो करते हुए? नहीं जिम तो मैं लाइक अराउंड 1.5 ईयर से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर डाइट के साथ हो गया 3 मंथ। 3 महीने हो गया, ठीक है। तो मेक श्योर अपनी डाइट में देखो फ्रूट, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 100 ग्राम प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बस लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभार आप प्रोटीन भी ले सकते हो, कोई वो बात नहीं है। जस्ट प्रोटीन सोर्सेस को थोड़ा और इंक्रीज करो, कीप ऑन चेंजिंग योर डाइट, डोंट क्या कहते हैं स्टे ऑन द सेम सिमिलर डाइट, आप डाइट को चेंज करते रहो। कभी कभार आप अनहेल्दी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है सर, कभी कभी लाइक वीक और मंथ में 2 बार कभी कभी मैदा सब खा सकते हैं क्या? हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, कोई बात नहीं, चीट मील है, कोई खाओ आप, पिज्जा खा लो। मैं बैंगलोर आया तो मुझे भी आप इन्वाइट कर लेना। श्योर सर, श्योर 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 श्योर, थैंक यू सर, गुड टू टॉक टू यू बडी, ख्याल रखो। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए किसी और को लाइव लेते हैं। हेलो सर, मेरा बात करनी है।